गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मैं रंजु पाठी मिश्रा की क्लास में। जैसे कि आपको पता है आज आपका बीएड ईडीयू बीएड 114 था, इसमें आपका फंडामेंटल और टीचर एजुकेशन है, उसी का हम लोग आंसर की देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में किस यूरोपीय मिशनरी ने पथ प्रदर्शन पर कार्य किया? तो इसका आंसर है सी, यानी आपका डेन। क्वेश्चन नंबर टू है आपका, किस देश को शिक्षण प्रशिक्षण का प्रेरक कहा जाता है? तो इसका आंसर है बी, यानी आपका अमेरिका। क्वेश्चन नंबर थ्री आपका, निम्नलिखित को उनकी स्थापना के क्रम अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर है डी, यानी पहले आपका आएगा NIEPA, उसके बाद से आपका आएगा CUGC, उसके बाद से आपका आएगा NCERT और लास्ट में आपका आएगा NCTE। क्वेश्चन नंबर फोर है आपका, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का प्रमुख होता है? तो इसका आंसर है फोर का ए, आपका अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर फाइव है, एक शिक्षक सही मायने में तब तक नहीं सिखा सकता है जब तक कि वह स्वयं नहीं सीख रहा हो, यह विचार किसने दिया? तो पांच का आंसर है बी, टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपका, इंटर्नशिप बीएड भर्तीचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है क्योंकि यह मुहैया कराता है। तो सिक्स का आंसर है सी, शिक्षण कार्यकलाप में गहन अभ्यास का अवसर। क्वेश्चन नंबर सेवन है आपका, NCERT ने टीचर एजुकेशन करिकुलम और फ्रेमवर्क कब प्रकाशित किया? तो सेवन का आंसर है सी, यानी 1975 में। क्वेश्चन नंबर एट है आपका, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना संयुक्त की? एट का आंसर है आपका डी, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा। क्वेश्चन नंबर नाइन है आपका, किसने कहा पशु प्रशिक्षित किए जाते हैं परंतु शिक्षक शिक्षित किए जाते हैं? तो नाइन का आंसर है ए, WH Kilpatrick। क्वेश्चन नंबर टेन है आपका, भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? टेन का आंसर है सी, 1989 में। क्वेश्चन नंबर इलेवन है आपका, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई? इलेवन का आंसर है सी, 1953। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है आपका, किस आयोग ने सर्वप्रथम शिक्षा में स्नातकोत्तर MED की उपाधि होने की अनुशंसा की? तो इसका आंसर है सी, राधा कृष्ण आयोग। इसको आप थोड़ा देख लेंगे, मुझे बता देंगे कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण कौशल है? तो 13 का आंसर है बी, पढ़ाते समय छात्रों को तनाव मुक्त रखना। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, PPEP का फुल फॉर्म क्या है? तो 14 का आंसर है ए, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, निम्नलिखित में से कौन छोड़कर एक प्रभावी शिक्षक को चारित्रिक विशेषताएं हैं? तो 15 का आंसर है डी, कक्षा के छात्रों के साथ भेदभाव व्यवहार किया गया। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, छात्र शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है? तो 16 का आंसर है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, पाठ योजना के उद्देश्य को व्यवहारिक रूप में लिखने का उपागम? 17 का आंसर है बी, मेगर उपागम। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, कौन FIAC का मूल रूप संबंधित है? तो इसका आंसर है ए, फ्लैंडर, 18 का ए। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम की प्रकृति है? 19 का आंसर है डी, यानी कि लिपिड, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है गतिविधि केंद्रित, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो 20 का आंसर है बी, यानी पाठ्यचर्या एक व्यापक शब्द है और पाठ्यक्रम इसका एक हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, भारत में शिक्षा प्रशिक्षण के क्षेत्र में किस यूरोपीय मिशनरी ने पथ प्रदर्शन का कार्य किया? 21 का आंसर है सी, डेन ने। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, उत्तर प्रदेश में पहली बार कहां पर बेसिक अध्यापक प्रशिक्षण का कार्य शुरू किया? तो 22 का आंसर है बी, यानी आगरा। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, किस देश में शिक्षा प्रशिक्षण का प्रेरक कहा जाता है? तो 23 का आंसर है बी, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, शिक्षक शिक्षा में किस प्रकार के पाठ्यक्रम चल रहे हैं? तो 24 का आंसर है बी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, भारत में अध्यापकों की शिक्षा के लिए शीर्ष नियम निकाय कौन सा है? तो इसका आंसर है 25 का सी, NCTE, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, सेवारत प्रशिक्षण शिक्षकों का सतत शिक्षा दी जाती है? तो 26 का है डी, यानी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, जिला स्तर पर शिक्षकों को सेवा कालीन प्रशिक्षण कौन देता है? तो 27 का आंसर है ए, यानी डाइट। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा NCTE के प्रमुख कार्यों में एक है? तो 28 का आंसर है सी, यानी शिक्षक शिक्षा संस्थानों की स्थापना में विनियमित करता है।
क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, अध्यापक शिक्षा की सीमा है समस्या है, तो 29 का आंसर है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30 आपका, एनसीईआरटी के द्वारा करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन तब प्रकाशित हुआ, तो 30 का आंसर है डी, 2000 में। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, माध्यमिक शिक्षा हमारी शैक्षिक प्रणाली की सबसे निर्बल कड़ी है, ये किस आयोग ने कहा, तो 31 का आंसर है सी, राधा किशन आयोग। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, सेवारत अध्यापक शिक्षा का उद्देश्य है, तो 32 का आंसर है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, प्रशिक्षण समूह संबंधी का उपयोग किया जाता है, इसका आंसर है बी, ब्लॉक शिक्षण में। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, सस्ते उत्तम छात्र शिक्षण आयाम माना जाता है, तो 34 का आंसर है सी, यानी आदर्श विद्यालय आयाम। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, शिक्षकों की सामाजिक प्रतिष्ठा के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है, 35 का आंसर है सी, इसको एक बार आप देख लेंगे, मुझे कमेंट में कर देंगे, ये मुझे थोड़ा डाउट है। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, शिक्षण कला के अंतर्गत शामिल है, तो 36 का आंसर है डी, यानी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 37 है, आप कक्षा में अधिक छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, आप निम्नलिखित में से शिक्षा की कौन सी विधि अपनाएंगे, इसका आंसर है डी, रोल प्ले। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, शिक्षण के किस स्तर में शिक्षार्थियों की समस्या समाधान क्षमता रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच कौशल और मूल एवं नवीन सोच शक्ति का विकास शामिल है, तो 38 का आंसर है सी, यानी शिक्षण का तर्कना स्तर। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, यदि एक शिक्षक के रूप में छात्रों द्वारा आप या टिप्पणी की जाती है कि तो आप क्या करेंगे, तो इसका आंसर है डी, यानी मूल्यांकन के समय निष्पक्ष रहेंगे। एक बार मैं और बता दे रही हूँ आपको, आपका जो चैलेंज एंड इशू का पेपर है वो आपका मैं पूरा 4 मिनट जा चुकी है, 5 मिनट आज आपको शाम को मिल जाएगा। आपको हर एक यूनिट को अच्छी तरह पढ़ लेना है, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना है, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, सूक्ष्म शिक्षण चक्र कितने समय का होता है, इसका आंसर है 6 मिनट। ये तो था आपका 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन, इसे आप जरूर देख लेंगे, कितना आएगा आपका नंबर वो मुझे कमेंट में जरूर कर देंगे। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।